अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, मैं हूँ ज़ैनब नुमान। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, एकदम फिट फाट होंगे। आप लोगों ने मेरा मेन मेकअप चैनल जो है सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं? मैंने वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और हेल्पफुल जो है मेकअप वीडियोस डाले हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के भी। अगर नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लो, क्योंकि लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज के दिन का जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन की रूटीन का, कि आज मेरे किचन में मैंने क्या क्या बनाया है बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए खाने में, तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ये एक मैंने बनाई है। सबर यार, किस किस के साथ होता है ऐसे कि बोलते बोलते एकदम लफ्ज़ भूल जाता है कि क्या हमने बोलना था। तो ये आलू और सूजी की जो है टिकियाँ हैं, बहुत यामी, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रूट है, मैंगो है। और ये मैंने बनाया था सॉसेजेस पास्ता। ये फाइनली, ये मेरे जहन में ना इतना कुछ चल रहा होता है, इतना कुछ। अगर आप लोग एक दफ़ा मेरे जहन का विजिट कर लो ना, आप लोगों ने कहना ओ बीबी ओ बे और फैन बस कर, यानी और ये देखें फ़ान की। तो सबसे पहले मैं सॉसेजेस को जो है कट कर रही हूँ। ये चिकन सॉसेजेस हैं, आपको इजीली कारफोर से, अलफ़ता स्टोर से आराम से मिल जाएंगे, किसी भी मार्ट से, ठीक है। इनको मैं इस तरह से बारीक थोड़े से स्लाइसेस में काट लूँगी, क्योंकि इनका टेस्ट, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग अगर सॉसेजेस ना डालना चाहो तो चिकन के क्यूब, छोटे जो बोनलेस चिकन होता है छोटा छोटा काट के, वो भी डाल सकते हो, ठीक है। एक पैन में मैंने एक थोड़ा सा दो चम्मच जो है ऑयल के ले लिए हैं, ऑयल मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और मैंने एक बड़ा प्याज जो है बारीक चॉप किया हुआ है, बिल्कुल सच्चो जनू चा। अफान जना मेरे पास आके बैठ गया कि मामा पता नहीं अकेले अकेले मेरे बगैर क्या कर रही हैं। तो इन प्याज को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना आप लोगों ने, बस हल्का सा ही। जैसे ही हुआ हमने सॉसेजेस ऐड कर देनी है, क्योंकि हमने सॉसेजेस को ज़रा सा फ्राई करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम आप रख लीजिएगा, ज़्यादा लो फ्लेम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑयल पर ना इनको फ्राई करना है बड़े मज़े का करके। तो ये 3 से 4 मिनट में ही होना स्टार्ट हो जाएंगी, देखें दोनों तरफ से ये इस तरह से ब्राउन ब्राउन सी होने लग जाएंगी, और जो कि खाने में फिर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो इनको जैसे ही वो हो गई थी ब्राउन सी, मैंने इसमें टमाटर कटे हुए ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर टमाटरों को बिल्कुल भी मैश करना मेरा वो नहीं है कि मैं इनको बिल्कुल मैश करूँगी, इतना पकाना, बिल्कुल हल्का सा, एक दो दफ़ा चम्मच हिलाया है। और साथ ही मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने जो है चिली सॉस ऐड कर दी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैंने सोया सॉस भी ऐड किया है, ठीक है। अब हम ज़रा सा चम्मच हिला लेंगे, इसलिए ये बड़ा ही ट्रेडिशनल टाइप स्पाइसी पास्ता बनेगा, बहुत मज़े का, टेस्टी सा। इसके अलावा मैंने केचप भी 2 खाने के चम्मच ऐड कर दिया था, ठीक है। अब इनमें हम ज़रा चम्मच हिला लेंगे अच्छे तरीके से। और पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ है, और वो मेरे साथ थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, लेकिन इट्स ओके। अगर आप लोगों को पास्ता बिल्कुल स्टिफ फॉर्म में रखना है, तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसको बॉयल करने नहीं रख देना, ठीक है, अब बल्कि फ़ौरन से उसको जस्ट चेक करके उतार लेना, ताकि उसकी फॉर्म, जो उसकी हालत है, वो अच्छी सी रहे। लेकिन खैर, ये सॉफ्ट ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हुआ ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों ने ही खाना होता है ज़्यादातर। मेरे जो सारे खाने हैं वो बच्चों के गिर्द घूमते हैं, मुझे पहले सोचना पड़ता है कि बच्चे क्या इंटेक करेंगे, क्या खुशी से खाएंगे, फिर ही मेरी और मानी की बारी आएगी, हम लोग तो खा ही लेंगे भाई, जो भी बच्चे खाएंगे। आ जाओ मेरी गोदी में। चलें जी, पास्ता हो गया हमारा रेडी, बहुत झटपट बन जाता है, बहुत ही ईजी पीजी है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और सूजी की, जो मैंने ये टिक्कियाँ बनाई हुई थी, बहुत ही टेस्टी थी और हेल्दी भी थी साथ साथ में। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक थोड़ा बड़े साइज़ का पैन ले लेना है आप लोगों ने, इसमें हमने पानी ऐड करना है, पानी बेबी इधर आओ, 2 कप पानी ऐड करेंगे इसमें, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 2 मिनट में इसको बॉईल आ जाना है। ओ माय गॉड, आप लोग सुनाएं यार क्या गर्मी के हालात हैं लाहौर में, तो यहाँ पे 45 डिग्री से अबव जा रही है गर्मी, और इतनी कुछ सख्त गर्मी है कि कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये पानी में बॉयल आ गया था, स्पाइसेस में मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक है, लाल मिर्च है, धड़ा मिर्च है, सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सब आधे आधे टेबलस्पून मैंने लिए हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। हमने इसको ज़रा इसमें मिक्स कर देना है। अब आपने क्या करना है कि इसको ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सूजी ले लेनी है हमने, एक प्याली होती है ना, एक कटोरी सूजी, बस उतनी काफ़ी रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यूट्यूब से ही रेसिपी देखी थी, कोई इंडियन रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, मैंने कहा कैसा आउटकम आएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। अब इसमें सूजी जो है ना थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है, हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, ताकि लम्स ना बन जाए, तो मैं थोड़ी थोड़ी देखें ऐड करती जा रही हूँ, मैंने वीडियो भी स्पीड अप किया है, और साथ साथ आपने बराबर इसमें चम्मच हिलाते रहना है, ताकि वो ऐसे गुटलियाँ सी ना उसकी बने, ठीक है। और आँच जो है मीडियम टू लो कर देनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं आपने रखना।
तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी सी सूजी करके, और एक प्याली ही सूजी का बहुत इनफ रहती है। आप लोग पहले ट्राई करने के लिए बना लेना, बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी से स्नैक्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर सूजी की खीर जो बच्चों को बना के खिलाई जाती है, आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है अब नहीं खाते। कोई पहले ज़माने के बच्चे थे जो खा लेते थे, मेरे तीनों बच्चों ने नहीं खाई वो, बल्कि मुँह बंद कर लेते हैं और थू थू करते हैं, बिल्कुल उनके मुँह के अंदर नहीं जाती। तो मैंने सोचा ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, थोड़ा नमकीन में आ जाएगा। चलो सूजी सुना है क्या बहुत हेल्दी होती है, सुना क्या सूजी का हलवा शलवा ये चीज़ें काफ़ी हेल्दी होती हैं बच्चों के लिए स्पेशली। तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसे स्टिफ फॉर्म में आ गया, मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया। इसको मैं ज़रा चम्मच से अच्छी तरह चेक कर रही हूँ कि किसी के अंदर इसके अंदर ना कोई भी लम्स ना होने पाए। अब हम इसको ज़रा साइड पे कर देंगे, थोड़ा सा कूल डाउन भी हो जाएगा वो। और मैंने इससे पहले ही इसके साथ ही दो अदद जो बड़े हुए साइज़ के आलू थे वो भी बॉयल करके रखे हुए थे, और उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब वो मैश करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। आलू आप लोगों ने साइड पे बॉईल कर लेने हैं, और इसके अलावा मैंने एक प्याज स्मॉल साइज़ की ले ली थी, छोटे साइज़ की, उसको भी बारीक चॉप कर लिया जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं, वो भी ऐड कर दिया। इसके अलावा आप लोगों ने थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करूँगी, नमक, धड़ा मिर्च और लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी हमने सूजी में स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं। तो इसके अलावा आपने धनिया और मिर्चें भी इसमें काट कर डालनी है, वो मेरा बेटा भी लेने गया हुआ है, तो तब तक मैं इन चीज़ों को मिक्स करके गुजारा कर रही हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा था क्योंकि वो थी नहीं चीज़ें फ्रिज में, तो इनको हम लोगों ने आराम से बड़े, अभी मेरा बेटा लेकर आ गया है, तो फिर मैंने जल्दी से काट कर जो है इसमें धनिया और मिर्चें काट कर ज़्यादा सारी आपने ऐड कर देनी है। अब इस सारे मिक्सर को आप चाहो हाथ से मिक्स कर लो, चम्मच से मिक्स कर लो, जो आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ पे हाथ से इस सारे को मिक्स करने लगी हूँ, एक डो टाइप बनानी है। हमने जैसे एक आटा सा नहीं गूंथते ऐसे इसको आपस में मिक्स करके यक आज यक जान कर लेना आप लोगों ने। आज मेरा बेटा मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी कुर्बानी दे रहा है जी जानी, गर्मी में बैठा हुआ है, मैंने पंखा बंद किया है वॉइस ओवर करने के लिए, आए आपको झुला दूँ। आप लोग मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसे लग रही होती हैं, आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, इतनी मेहनत होती है ना। ये देखें जी सारे मैंने मिक्सर को एक अलग से प्लेट में निकाल लिया, और दोबारा से अगेन मैं इसको एक आटे की तरह, ओ भाई अफान को आजकल चक्कियाँ काटने की इतनी आदत पड़ी है, जहाँ देखता ना वहीं मुझे चक्की काट ली, क्या मसला आपके साथ। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से डो सी बना लेनी है। आप लोगों ने हल्का सा ऑयल भी आप लगा सकते हैं ताकि ये थोड़ी इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही ऑयल लगाने से। अब जनाब मैंने यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना के आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये मैंने हल्का सा देखें ऑयल भी ऐड कर दिया। आप लोग एक दफ़ा ट्राई कर लेना ज़रूर, आप लोगों को बहुत मज़े की लगेंगी और बहुत टेस्टी भी लगेंगी। तो ये देखें बड़ी प्यारी सी इसकी छोटी छोटी सी ना इस तरह से बनती जाएंगी, छोटी सी आप लोग बना लीजिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं ठीक रहेगा क्योंकि हमने इन्हें ऑयल में अभी मज़ीद फ्राई करना है। वैसे हम इन्हें डीप फ्राई ना भी करें, सिंपल तवे पे कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसको अंडा अंडे की कोटिंग हम ज़रा कर लेंगे ताकि पोटैटो जो है मेरे निकलने हमारे निकलने ना पाएँ, क्योंकि मैंने जो पहला कोट डाला ऑयल में तो मेरे सारे बिखर गई, पता नहीं मुझे शायद मैंने ज़्यादा डीप फ्राई कर लिया या मुझे समझ में नहीं आई मेरे साथ ऐसे हमेशा क्यों होता है। आलू की कोई भी मैं चीज़ बनाऊँ ना, कोई भी ऐसे शामी टिक्की कुछ भी, तो जब तक उसको मैं किसी चीज़ की कोटिंग ना करूँ मेरी वो सही से नहीं बनती, क्योंकि सारा आलू निकल जाता है ऑयल के अंदर। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि इसका क्या रीज़न है कि किसी भी, अच्छा मैंने जो वीडियो देखी थी ना जो रेसिपी की, उन्होंने तो बगैर किसी कोटिंग किए हुए इस तरह देखें जैसे मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, डायरेक्ट डाल के फ्राई करके बाहर निकाल लिए थे, तो बड़े अच्छे उनके फ्राई हुए थे, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं थे। अभी मैंने ये पहले जब डाला कोट और 2 मिनट बाद, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो बर्बादी पूरी हुई थी मेरे पैन की, क्योंकि सारे के सारे जो हैं उनमें से आलू निकल गए थे, और वो बहुत अजीब हाल। अभी देखें शुरू में तो बड़े अच्छे ये खूबसूरत लग रहे थे, इनको ऐसे ही फ्राई हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुए। हाँ मैं नहीं बोलती, ये देखें ये थोड़ा थोड़ा सा निकलने स्टार्ट हो गए, और मुझे इतनी को टेंशन हो गई ना, मैंने कहा यार मेहनत इतनी मेरी ज़ाया गई ना। फिर मैंने इनको खैर दोबारा से ऑयल को मैंने पोनी में से निकाला छाना, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा आ गए थे ऑयल, और दोबारा फिर मैंने आलू की कोटिंग, ये देखे सारे टूट से गए हैं, फिर मैंने इनमें अंडे की कोटिंग आलू की कह रही हूँ। आप लोगों ने मुझे रीज़न बतानी है कि क्या रीज़न है कि मेरे से कभी भी इस तरह डायरेक्ट आलू की कोई चीज़ सही नहीं बनती। तो अब मैंने अंडे की कोटिंग करके लग की है बनाए हैं, फिर तो बहुत टेस्टी बने थे, और फिर बिल्कुल भी टूटे भी नहीं थे, और बिल्कुल एकदम सेट रहे थे। तो अब मैंने फिर बाकी सारे जो हैं अंडे की कोटिंग कर ली। मानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और बच्चों को तो पसंद आए ही थे कि मैंने एक दिन में उन्हें सारे फिनिश करवा दिए। मैंने कहा खाओ इन्हें, कुछ तो चीज़ तुम लोगों के अंदर जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह ताला रहम कर दे, रहम बारिश आ जाए, ठंडी हवाएं बारिशें शुरू हो जाएं। अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला, यार मैं कभी कभी ना अल्लाह मियाँ बोल देती हूँ, बल्कि ज़्यादातर अल्लाह मियाँ ही बोलती हूँ। सारे मुझे कमेंट करते रहते हैं कि अल्लाह ताला बोलते हैं, मैंने किसी से पूछूंगी कि अल्लाह मियाँ बोलना ठीक है कि नहीं है अल्लाह ताला। वैसे अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह ताला। चलें जी ये देखें मेरे इतने अच्छे बने हैं,
और मैंने फिर इनको दोनों तरफ से लाइट गोल्डन सा कर लिया, और देखें बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं निकले। तो आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लेना। एक तो हेल्दी स्नैक है, जल्दी से बन जाता है, बहुत झटपट बन जाता है, बहुत जल्दी से टी टाइम में भी आप इन्हें बना सकते हैं, और एक खाने में भी एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है, ये बात है। हाँ, मैं यहाँ पे मैं बना रही थी तो अबान नाराज़ हुआ है, तो मनी जो है उसको मना रहे हैं, मनाने के चक्करों में उसको अपने कंधे में बिठा लिए, क्योंकि जब ये छोटा था ना तो हमेशा अबान कंधों में, बच्चों की आदत होती है जब बाबा घर आए तो वो सीधा पहले कंधे पर बैठते हैं, तो अब वो मनी यही कह रहे थे कि मैं इसको कंधे में बिठाया, माशाल्लाह मुझे इतना बड़ा लग रहा है ना, तो वो बार बार कह रहे थे इस पर वीडियो बनाओ इसका कैमरे के सामने, या मुझे कुछ कही जा रहे हैं कि अब ये इतना बड़ा बड़ा लग रहा है माशाल्लाह। मैंने कहा तो हाँ, तो बच्चा जवान हो गया, अब बान को गुस्सा चढ़ ही जा रहा है कि वो मुझे नीचे उतारो, मेरी वीडियो नहीं बनाओ, बाबा को मार रही है। ये नाराज़ हुआ था किसी बात से और मान ही नहीं रही था ना, मान ही नहीं रहा था, नहीं रही है, देखें ज़रा नीचे करके मैंने इसकी वीडियो बनाई है, मानी कह रहे थे कि इसका मुंह आना चाहिए वीडियो में, और इसको गुस्सा चढ़, इसको अपनी वीडियो बनाने से इतनी कोई चिड़ा, इतनी कोई चिड़ा आई है लो। और गर्मी से हालत देखो क्या हो रही है, मेरे पीछे किचन में आ गई है वहाँ। तो बस जल्दी से जनाब मैंने यहाँ पर दस्तरखान लगा लिया है, थोड़ा सा फ्रूट भी मैंने काट लिया था, मैंगो काट लिया क्योंकि बच्चों को ऐसे बहुत पसंद आते हैं, और पास्ता जो है डिश आउट किया है उस पर थोड़ी सी मायोनीज़ मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी टेस्ट आता है मायोनीज़ ऐड करने से। तो फ्रूट में आजकल माशाल्लाह से मैंगो अलमिया कितनी बड़ी नेमत है हमारे पर, सीज़न ऑन है उसका, तो बहुत ही यमी और टेस्टी था इसका। मैंने सोचा था कि नुमान से इसका रिव्यू ले लूँगी, लेकिन बच्चों के चक्कर में तो बिल्कुल कुछ याद नहीं रहा, एक तो पहले ही गर्मी से मत तवज्जी हुई थी मेरी। अच्छा जी, ये आज का व्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, और ये रेसिपीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कि मुझे लगता है यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन देने में बहुत कंजूसी करता है, नहीं तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेना, आप लोग नोट करना कि आप लोगों को मेरा व्लॉग्स के, मेरे मेन मेकअप चैनल के नोटिफिकेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और ये एक बाइट मेरी तरफ से आप सब के लिए, सब मुंह खोले मैंने खा लिया, अल्लाह हाफिज़, बाय।